नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में इसके पहले हमने 1935 का अधिनियम पढ़ा था, जिसका कि बहुत बड़ा रोल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और इसके दो लेक्चर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें हमने दो लेक्चर अभी तक डिस्कस किए हैं और ये तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भारत का स्वतंत्रता अधिनियम क्या था और इसका क्या योगदान रहा, इसके आगे चीजें किस प्रकार से हुई। तो मित्रों, यह है टारगेट इन गोल, आप सभी का स्वागत है। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को भी इस चैनल को बताएं और उनको शेयर भी करें। मित्रों, इस में पॉलिटी इस हिसाब से पढ़ाई जा रही है कि चाहे लिखित परीक्षा हो या फिर ऑप्शनल, हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, किसी भी टाइप का हो, ये जो मैटर है परफेक्ट मैटर है, आप इसका कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए क्या था मित्रों, कि 1947 में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री एटली थे। तो प्रधानमंत्री एटली ने क्या किया कि 30 एक घोषणा की कि 30 जून 1947 को हम लोग इंडिया को आजाद कर देंगे, मतलब यहाँ से अपना ब्रिटिश शासन समाप्त कर देंगे और आजादी दे देंगे। लेकिन हुआ क्या कि उस समय दो स्टेटों की बात नहीं की गई थी। ये नहीं कहा गया था कि भारत के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे या उसका विभाजन कर दिया जाएगा। तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने क्या किया कि इसका बायकॉट किया। अब जब इसका बायकॉट किया तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब जब प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो फिर क्या किया गया कि देखिए, भारत में बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे होने लगे हिंदू मुस्लिमों के बीच में और बहुत ज्यादा खून खराबा होने लगा। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि यदि हम लोग अभी इनको अपने उससे मुक्त नहीं करते, रिलीज नहीं करते हैं, तो यहाँ जितना भी दंगा फसाद होगा उसका सारा श्रेय हमें दिया जाएगा कि आप लोगों ने ये सब कराया, क्योंकि यहाँ आप लोग राज कर रहे थे और इस समय हमारी कहीं ना कहीं छवि धूमिल होगी। तो इस कारण से फिर उन्होंने क्या किया कि लॉर्ड माउंटबेटन को एक प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव के माध्यम से लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया, जिस प्रस्ताव के माध्यम से ही डबल दो स्टेटों का कंसेप्ट आ गया। उन्होंने कह दिया कि अब जो भारत है हम इसको आजाद कर रहे हैं और इसमें दो स्टेट होंगे। उन्होंने कुछ ऐसा भी प्रावधान दिया था कि दो स्टेट होंगे और जो भी यहाँ के रजवाड़े हैं, उस समय 550 से ज्यादा रजवाड़े थे भारत में, तो सारे अंडर में तो थे ब्रिटिश के ही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो भी रजवाड़े भारत में जाना चाहें वो भारत में चले जाएं, या फिर जो रजवाड़े पाकिस्तान में जाना चाहें तो पाकिस्तान में चले जाएं, या फिर यदि कोई रजवाड़ा अपना स्वयं में स्वतंत्र रहना चाहता है तो वो भी रह सकता है, वो ये कंसेप्ट दिया गया। तो वहां पे बहुत सारे रजवाड़े तो भारत में मिल गए क्योंकि उन्हें लगा कि यही ठीक है अपना, और कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं मिल पाए और कुछ स्वतंत्र रहने के लिए भी तत्पर रहे, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर हो गया और ये हैदराबाद हो गया और एक गुजरात में एक स्टेट था। तो इस तरह से ये तीन स्टेट थे तो इसकी प्रॉब्लम हुई। लेकिन जब इस तरह से ये मामले हुए तो अब क्या किया गया कि इस अधिनियम के तहत, 1947 के अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। वहां से जो भारत सचिव बनता था वो समाप्त कर दिया गया और वायसराय का भी पद समाप्त कर दिया गया। अब क्या किया गया कि माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और
उन्होंने क्या किया कि 1947 में, देखिए चुनाव नहीं, चुनाव अगर हम बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से सोचें तो उस समय ये चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री बना दिया, मतलब शपथ दिलाई उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने नेहरू जी को। तो अच्छा, इसके पहले क्या हुआ था कि 1945-46 में, हालांकि चुनाव हुए थे, 1945-46 में चुनाव हुए थे, और उन्हीं चुनावों में जो लोग थे उन्हीं के माध्यम से पूरी उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन कर दिया था, तो 45-46 के चुनाव में। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 1946 में एक पूरी की पूरी संसद, भारतीय मतलब संसद की तरह बना दी गई थी। तो ये था 1947 का अधिनियम, जिसमें ये सारे कंसेप्ट, ये सारी बातें की गई थी। इसके बाद अब देखिए, जो अभी हमने बताया कि 1945-46 में जो चुनाव हुए थे, तो 1945-46 में जो चुनाव हुए थे उन चुनावों के तहत जो लोग जीते थे, देखिए उस समय क्या था कि पूरे 11 प्रांत थे। तो अगर हम बात करें केंद्रीय और प्रांतीय, तो दोनों तरह के चुनाव, मतलब केंद्रीय और प्रांतीय दोनों तरह के चुनाव 1945-46 में हुए थे। अब उनमें क्या था कि कुछ तो मुस्लिम के लिए सेपरेट थे और कुछ समान उस तरह से पद थे। तो वहां कांग्रेस को, पूरे 11 थे प्रांत, तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस को सफलता मिली थी, जिसमें से देखिए सिर्फ जैसे पंजाब हो गया, सिंध हो गया और बंगाल हो गया। ये वाले जो प्रांत थे पहले, ये जो अपना बंगाल है, तो ये पूरा बांग्लादेश और ये पश्चिम बंगाल जो अपना है, ये पूरा मिला के पूरा था ये वाला क्षेत्र, और सिंध वाला क्षेत्र ये जो पाकिस्तान में अब मोस्टली चला गया है, पंजाब, देखिए पंजाब भी आधा अपने यहाँ है और आधा पाकिस्तान में। तो ये वाला जो प्रांत था जहां पे मुस्लिम बहुल था, उस क्षेत्र में क्या हुआ कि मतलब मुस्लिम लीग ने अपनी बढ़त बढ़त बना ली, और बाकी 8 प्रांतों में कांग्रेस को सफलता मिल गई थी। हालांकि वहां पे चुनाव डायरेक्टली नहीं हुए थे, मतदान बहुत छोटे लेवल पे हुए था और बहुत कम लोगों ने ही वोट डाले थे, ये सारा हुआ। तो अगर हम अब बात करें कि वहां जो उस समय एक सरकार, अंतरिम सरकार बनाई गई थी 1946 में उस समय के चुनाव के तहत, तो हम ये देखें कि उस समय कौन सा व्यक्ति किस पद पर था। तो अगर उसकी हम लिस्ट देखें तो इसमें है, देखिए जैसे जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू को उस समय राष्ट्रमंडल के संबंध और विदेशी मामले, ये दो हम कह सकते हैं दो विभाग दे दिए गए थे जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो उनको गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, और जॉन मथाई, तो जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, मतलब नागरिकों के लिए जो आपूर्ति और उद्योगों से जो रिलेटेड था, वो जॉन मथाई को बनाया गया था। इसके बाद जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था, और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। सी एच भाभा को दिया गया था कारखान एवं ऊर्जा मंत्रालय, या फिर कारखान ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। सॉरी, अगर हम बात करें लियाकत अली खान, तो लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था, और अब्दुल रब निस्तार को बनाया गया था डाक एवं वाई विभाग मंत्रालय सौंपा गया था इनको, और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला, मतलब उस समय जो ये 1946 में मंत्रिमंडल बनाया गया था उसकी ये सूची है जो आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, जब क्या हुआ कि देश को आजाद कर दिया गया, जब आजाद कर दिया गया तो उस समय भी चुनाव तो नहीं हुए थे, लेकिन उस समय भी पूरा स्ट्रक्चर हमें फिर बना के रखना था। तो उस समय फिर से अगर हम बात करें तो ये एक मंत्रालय फिर पूरा फिर से गठन हुआ उसी प्रकार से। तो कुछ देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब सेम सेम मंत्रालय में, लेकिन कुछ में क्या हुआ कि बदलाव हुआ। तो अगर उन बदलाव और जो नए मंत्री बने उनकी अगर हम यहाँ सूची देखें, देखिए जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनाया गया, प्रधानमंत्री उनको बना दिया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको शपथ दिला दी थी, जैसे अभी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं उस समय इन्होंने माउंटबेटन ने
जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिला दी थी। और जो राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले थे और विदेशी मामले थे और वैज्ञानिक शोध, इन मामलों में जो अधिकार दिए गए थे या इनके जो मंत्री बनाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए वहां भी वो गृह मंत्रालय और सूचना विभाग थे, तो यहाँ भी इनको गृह और सूचना प्रसारण राज्यों के मामले इनको यहाँ भी दिए गए। राजेंद्र प्रसाद को वहां भी खाद्य एवं कृषि, यहाँ भी खाद्य एवं कृषि। अब देखिए यहाँ शिक्षा विभाग बदल गया, शिक्षा विभाग ये दिया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद को। ठीक है, इसके बाद देखिए हम जॉन मथाई को, जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन विभाग दे दिया गया। फिर आर के षणमुगम शेट्टी, इनको वित्त विभाग दिया गया था। और इसके बाद देखिए विधि रक्षा मंत्री जिन्हें हम कहें, तो नहीं रक्षा मंत्री नहीं, विधि मतलब कानून मंत्री, तो कानून मंत्री अंबेडकर जी को बनाया गया था, बीआर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। और इसके बाद जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। इसके बाद राजकुमार अमृत कौर, इनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया था और सी एच भाभा जी को दिया गया था वाणिज्य विभाग। और रफी अहमद किजवई को संचार विभाग दिया गया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था। इसके बाद बी एन गाडविल को दिया गया था कारखान एवं ऊर्जा मंत्रालय। तो इस प्रकार से गठन कर दिया गया था, लेकिन ये जो गठन था ये उसी समय जो चुनाव हुआ था उस हिसाब से था। और क्या है कि देखिए अगर हम बात करें कि जो संविधान निर्माण हुआ या संविधान निर्माण होने के लिए जो कैबिनेट मिशन बनाया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 में बनाया गया था। और उसी कैबिनेट मिशन के तहत जिन लोगों को संविधान बनाने के लिए रखा गया था, जो बनाया गया था पैनल पूरा बनाया गया था, तो उन्हीं में से मोस्टली लोग ये थे और ये इन्हीं लोगों को फिर ये सारे मंत्रालय दे दिए गए थे। तो ये था मित्रों 1947 का अधिनियम। और इसके बाद अंतरिम जो सरकार बनी थी उसके जो सदस्य रहे वो, और आजादी के बाद के जो सदस्य रहे वो। तो थैंक यू दोस्तों लेक्चर देखने के लिए, और यदि ये पसंद आए, आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो इसको लाइक करें, और यदि आपको इसमें कुछ कमियां दिखें तो डिसलाइक भी करें, और डिसलाइक करें तो लिखें भी कि आपने इसको डिसलाइक क्यों किया है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरे की हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।